हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ एंड मेरी आवाज भी बहुत 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 बेहतरीन है पहले से ज्यादा। गाइस ये वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है कि आप लोग चाहते थे कि मैं अपना जो भी गोवा में मैंने पहना है उसका हॉल करूँ, तो मैं लेकर आ चुकी हूँ ये वीडियो आपके लिए। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि गोवा जाने से पहले मैं गई थी दिल्ली, एंड दिल्ली में मैं सरोजनी गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें मतलब मुझे ना पर्सनली जो भी मैं शॉपिंग वगैरह करती हूँ मैं जब तक अपने आँखों से हाथों से छू के ना देखूँ तब तक मुझे ना बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि ऑनलाइन पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ। एंड मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत ही कम मतलब बहुत रेयर ही करती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है मेरा थोड़ा शोल्डर ब्रॉड है, इसलिए मेरे ना साइज में थोड़ी दिक्कत ऊंच नीच होती रहती है, एंड मेरा हाइट भी थोड़ा सा छोटा है, तो मेरे को समझ नहीं आता कि मेरे लिए क्या कपड़े अच्छे हैं क्या नहीं है। तो इसीलिए मैं जब तक उसको अपने ऐसे नाप के ना लूँ तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। गूगल यूट्यूब करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाती हूँ सरोजनी और वहीं से मतलब अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो वही है लक की बात है, अगर आपको मिला तो मिला, नहीं मिला तो फिर देख लेते हैं। तो मैंने देहरादून में भी काफ़ी शॉप वगैरह हर जगह में गई थी। मुझे इतना मतलब जैसे मुझे पर्सनली चॉइस मेरी थोड़ी डिफरेंट है, तो मुझे जैसा चाहिए था वैसा मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं गई इतना दूर वो भी अकेले। मैंने सोचा चलो यार कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा भाई, अब गोवा जा रहे तो थोड़ा सुंदर तो बनना ही पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा जाती हूँ और खुद ही मतलब ढूंढ ढांड के लेकर आती हूँ। आपने ब्लॉग देखा होगा मैं कैसे गई थी, तो मैंने ब्लॉग दिखा दिया था बट मैंने हॉल नहीं दिखाया था, तो आज मैं आई हूँ अपना ये बड़ा सा हॉल लेके। तो गाइस सबसे पहले मेरा जो एयरपोर्ट लुक था वो मेरा ये था, मतलब मैं चाहती थी कि मैं ये पहनूं बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं पहन पाई क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, इसलिए मैं चेंज वगैरह नहीं कर पाई थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज ये कुछ ऐसे स्कर्ट है फिर स्कर्ट में, एंड यहाँ से इसका ऐसे स्लिट है और यहाँ से भी स्लिट है, एंड ये मेरी दीदी ने मुझे भेजा था नेपाल से, तो मैंने सोचा था कि मैं नीचे ये और ऊपर ये व्हाइट कलर का अपना टॉप पहनूंगी और ऐसे घूमूंगी एयरपोर्ट लुक बनाऊंगी। फीवर होने के कारण मैं ये चेंज नहीं कर पाई, तो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको अपना एयरपोर्ट लुक। तो गाइज ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहुंचते हैं अपने हॉल में। तो मैं ये करती हूँ, तो सूटकेस मैंने अभी भी खोला नहीं है, मैंने जैसे मैं आई थी वैसे ही रखा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। तो अभी मैं खोल देती हूँ आपके लिए एंड मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैंने कहाँ से क्या क्या लिया था, एंड जो भी छोटे मोटे इयररिंग्स वगैरह आप पूछ रहे थे कि मैंने कहाँ से लिया है, तो मैं सब कुछ आपको बता देती हूँ प्लस प्राइजेस भी बता दूंगी। गाइस सबसे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ अपना मोस्ट फेवरेट ड्रेस था ये मेरा, जो कि मैं पहन नहीं पाई। मुझे लगा कि मैं ये बीच में जाते हुए पहनूंगी बट मेरे पास दो ऑप्शन था, एक वो ऑरेंज वाला और एक ये, तो मैंने ये लिया था सरोजनी से। यहाँ पे ऐसे स्लिट है, ये थोड़ा ट्यूब में है, आपको रस्सी भी मिल जाएगी, ये वेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, एंड ये था बहुत क्यूट है ये, एंड गर्मी के लिए तो बहुत ही मस्त था, और ये फ्लोरल डिजाइन मतलब पूरा एकदम गोवा वाला वाइब आ रहा था इससे, एंड ये पूरा प्योर कॉटन का है। ये मुझे मिला था 350 का, वो मुझे 450 अराउंड ऐसे कुछ बोल रहे थे, तो कम कुम करके मैंने ये 350 में लिया था। इसके साथ सोचा था मैंने ये बैग लूंगी, मैंने सोचा था मैं ये कैप भी पहनूंगी बट मुझे ये सब करने का टाइम नहीं मिला, पर कोई नहीं नेक्स्ट टाइम मैं पक्का करूंगी। मुझे लगा मैं ऐसे करके मैं गोवा में घूमूंगी बट मैंने ये पहना नहीं। मेरे पास ये इयररिंग्स भी था, तो मैंने सोचा था कि मैं ये पूरा मतलब जूट जूट वाला मतलब ये इसको जूट ही बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, जूट ही बोलते होंगे, जूट बैग था मेरे पास, जूट कैप था, मैंने सोचा इयररिंग्स भी जूट वाला पहन लेती हूँ एंड ये फ्रॉक पहन के पूरा गोवा घूमूंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो कोई नहीं, ये बैग भी मैंने सरोजनी से लिया था अराउंड 250 का, एंड ये मैंने लिया था 2-3 साल पहले गाइस। तो अगर आपको ऐसा बैग चाहिए तो आप सरोजनी से ले सकते हो, वहां पर काफी ज्यादा ऑप्शंस है जूट बैग में आपको मिल जाएंगे। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट ड्रेस की ओर, एंड दिस इज माय फेवरेट पर्सनल फेवरेट ड्रेस है, एंड इसको मैंने ऐसे कस्टमर, पहले तो हालत देख लो मतलब रखने का तरीका थोड़ा
बेकार है। तो गाइज ये फ्रॉक मैंने लिया था, ये भी मैंने सरोजिनी से लिया था। ये वहाँ पे ना ड्रेसेस बहुत अच्छी मिलती है समर के लिए, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस आपको सरोजिनी के अलावा कहीं नहीं मिल सकते। तो मैंने वहां से ये ड्रेस लिया था और ये ड्रेस की इतनी लंबी स्टोरी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मैंने लिया था साइज, कौन सा साइज था गाइज, ये था एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल। मुझे चाहिए था स्मॉल या मीडियम, उन्होंने बोला था ये आपको हो जाएगा बोल के मैं भी उनके भरोसे में आ गई। वहां पे मीडियम स्मॉल सारे साइजेस थे बट मैंने लिया एक्स्ट्रा स्मॉल, पर मैंने उनको स्मॉल बोला था, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल दिया, उन्होंने मुझसे धोखा किया। बट कोई नहीं, जब मैं घर आई, घर आके जब मैंने इसे ट्राई किया तो पहले तो बहुत ट्रांजी था, तो मैंने इसके अंदर ना कपड़े लगाया इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रांजी था तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने अलग से मीटर, 80 रुपये मीटर है, 50 रुपये मीटर, ऐसे कुछ मीटर कपड़ा लिया था मैंने इसी कलर का, एंड इसको मैंने इतना इतना स्टिच कराया। हाँ, जो इसका ऊपर का पार्ट है ना, तो क्या हुआ था, साइज इसमें डिफरेंस आ रहा था। ये चीज जो था ना इसका, ये बहुत छोटा था कप्स, मेरे को फिट नहीं आ रहा था, तो मुझे ये पहनना था एनी हाउ क्योंकि ये मेरा फेवरेट था। तो मैंने पता क्या किया, इसकी जो लेंथ बहुत लंबी थी के नीचे से कटवाया, और कटवा के मैंने इसको यहाँ से स्टिच कराया। तो आपको दिख नहीं रहा होगा इतना, मतलब अलग सा तो लग नहीं रहा होगा, डिजाइन ही लग रहा होगा, बट ये जो लाइन है ना, ये तो यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े लगाए नीचे से काट के, तब जाके ये मुझे फिट हुआ। आपने देखा तो होगा ही कि मैं कैसी लग रही थी, क्योंकि काफी लोगों को ये ड्रेस बहुत पसंद आया था। एंड ये मैंने लिया था अराउंड 400 का फ्रॉम सरोजिनी, कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिल गई थी पर मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मुझे ये मिलेगा। एंड गाइस जो सेकंड आउटफिट है वो है मेरा ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही बोल लो, मुझे नहीं पता क्या बोलोगे आप, स्विम वेयर स्विम कॉस्ट्यूम कुछ भी बोल लो। तो मैंने ये लिया था एंड इसके नीचे मैंने ये स्कर्ट पेयर अप किया था, ताकि मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल ना लगे बोल के इसको कोट सेट बना दिया था। ये मुझे पड़ा था स्कर्ट अराउंड 150 का एंड ये मुझे पड़ा था 250 का। तो देख सकते हो आप कितना मस्त लग रहा था ये, एंड इसको मैंने स्विमिंग करते हुए ही पहना था। एंड नेक्स्ट गाइज, तो मैंने ये लिया था स्कर्ट फ्रॉम सरोजिनी, ये भी सरोजिनी से लिया है गाइज, आधी से ज्यादा पूरी मतलब पूरा 90-80% तो मैंने सारे सरोजिनी से ही लिया है। तो ये मैंने लिया था अराउंड 200 या 150 आई गेस, इतने का ही लिया था। एंड देख सकते हो ये H&M का ही है स्कर्ट, इसका ये टैग भी मैंने अभी तक फाड़ा नहीं है ढंग से। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड ये मुझे आराम से फिट हो गया था। एंड ये मैंने लिया था टैंक टॉप, ये भी मैंने सरोजिनी से ही लिया है एंड ये लिया था मैंने 150 का, एंड ये प्योर कॉटन का है एंड बहुत ही क्यूट है ये, इसका कलर भी देख सकते हो बहुत ही मस्त है। नेक्स्ट गाइज मैंने लिया था ये टैंक टॉप, ये मैंने क्रूज में पहना था, इसके साथ मैंने स्कर्ट को लेयर अप किया था, दिखाती हूँ मैं स्कर्ट भी। तो गाइज ये था स्कर्ट 250 फ्रॉम सरोजिनी एंड टैंक टॉप ऑल्सो 150 फ्रॉम सरोजिनी, इसके साथ मैंने ये हील पहना था। एंड काफी लोग बोल रहे थे दीदी आप यही हील पहन रहे हो, यही हील पहन रहे हो, क्योंकि ये मुझे बहुत बहुत पसंद आया था। ये मैंने लिया था अमेजोन से अराउंड 600 का लिया था गाइज ये, एंड दिखने में आपको ये बहुत भारी लग रहा होगा बट बिल्कुल भी भारी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ये लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो आप वहां से बाय कर लेना। तो इसके बाद गाइज हम गए थे सेकेंड डे टमेटोज में गए थे फॉर लंच, तो मैंने ये पहना था एंड काफी लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपने कहाँ से लिया है ये ड्रेस, दिन में पहनने के लिए बहुत ही अच्छा है कलर एंड बहुत कंफर्टेबल है एंड बहुत लाइट है। ये मैंने लिया था सरोजिनी से अराउंड 600 का मैंने गाइज ये लिया था, उन्होंने मुझे 800 समथिंग बोला था बट उन्होंने 600 में ये मुझे दे दिया था। और ऐसे काफी सारे वैरायटी के आपको मिल जाएंगे सरोजिनी में, तो आप जब जाओगे तो चले जाना ले लेना। एंड गाइज ये मेरा पर्सनल फेवरेट लुक था, पूल पार्टी लुक, एंड ये देख सकते हो ये पूरा क्रोसिया का है एंड ये बहुत ही क्यूट है ना। ये मैंने लिया था सरोजिनी से अराउंड 100 और 150 के आसपास, एंड मैंने पहले सोचा था कि इसको मैं ब्लैक कलर के स्कर्ट के साथ पेयर अप करूंगी, बट मेरी दीदी ने बोला कि इसको अगर तू व्हाइट के साथ पेयर अप करेगी बहुत ही अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने ये व्हाइट कलर का स्कर्ट है जो स्लिट था आगे से, सारे लुक बहुत अच्छे थे बट ये दिस वन माय पर्सनल फेवरेट लुक था। एंड ना ये नहा के मैंने ये कपड़े को ना ऐसे सुखा दिया था, इसमें देखो दाग सी लग गई है। एंड ये गाइज ये मैंने खुद ही बनाया है, आप यकीन नहीं करोगे, ये मैंने लिया था सरोजिनी से पूरा ऊपर से नीचे तक ये फ्रॉक था एक,
बट फिर क्या हुआ, वो फ्रॉग ना मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मुझे अच्छा वाइब नहीं आ रहा था. तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ क्या करूँ. फिर मेरी जो दीदी है नेपाल की, उन्होंने भी बोला कि ये जो ब्राउन वाला है इसके साथ व्हाइट कलर ही पेयर करना तो अच्छा लगेगा. तो मैंने सोचा कि व्हाइट कलर का तो मेरे पास कुछ है नहीं, दिक्कत था, पर मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था. तो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ दिमाग लगाते. तो मैंने क्या किया, ऊपर से इसको काट दिया एंड इसमें मैंने बोला भैया को कि आप इसमें ना स्ट्रेचेबल कुछ लगा दो. तो उन्होंने यहाँ पे प्लास्टिक लगा दिया एंड मैंने ये सामने से कट खुद ही करवाया उनसे. तो ये मेरा स्कर्ट बन गया था एंड इसको मैंने व्हाइट स्लिपर्स के साथ पेयर अप किया था. एंड स्लिपर मेरा नहीं था, मेगा का था, क्योंकि मैं तो हील ही लेकर गई थी. तो गाइस हमारा सरोजनी हॉल खत्म हो जाता है. अब मैं बताती हूँ कि मैंने ऑनलाइन क्या क्या शॉपिंग करी थी. तो सबसे पहले मैंने लिया था ये पिंक कलर का ड्रेस. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना मस्त लगेगा. अब ये थोड़ा सा ना आपको अजीब सा लग रहा होगा, इसको कैसे पहनना है कैसे नहीं पहनना, बट पहनने के बाद गाइस मतलब मैं बोल नहीं सकती कितना ही सुंदर लग रहा था ये. तो काफी लोग ने मुझसे पूछा था कि दीदी आपने कहाँ से लिया है कहाँ से लिया है. तो मैंने ये लिया था अर्बैनिक से एंड आगे से थोड़ा सा है एक्सपोजिंग है, थोड़ा दिख जाता है, बट मैं कंफर्टेबल थी. अगर आप भी कंफर्टेबल हो तो आप ये ले सकते हो एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप वहां से बाय कर लेना. गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने पहना था ये वैलेंटाइन डे के दिन. तो हम सब ने पहले से ही यहाँ से डिसाइड किया था कि वैलेंटाइन डे के दिन हम सब सेम पहनेंगे रेड. बट मेगा का रेड ड्रेस नहीं आया था क्योंकि मेगा ना एंड मौके में शॉपिंग कर रही थी तो उसे मिला नहीं. ये मैंने पहले ही मंगा लिया था. ये भी मैंने लिया था फ्रॉम अर्बैनिक से, आप देख सकते हो. और आजकल ना ये रफल सा डिजाइन है ना, ये बहुत ही ट्रेंडी में है. पहले के टाइम में ये बहुत ज्यादा ही ट्रेंडी था, तो दोबारा से ये ट्रेंड वापस आ गया है गाइज. मतलब वैसे इसको ऐसे पहनना था, ऐसे करके ऐसे पहनते हैं, बट मुझे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था वो, तो फिर मैंने इसको ऐसे करके पेयर अप किया था. एंड गाइज जो फर्स्ट डे मैं जब वहां पे हम लोग गोवा पहुंचे थे तो पूछ रहे थे कि आपने ये टॉप और ये पैंट कहाँ से लिया है. तो गाइज ये जो टॉप है ये मैंने लिया था घंटाघर से, अराउंड 250 आई गेस 250 का मैंने ये लिया था. और ये बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर है, पहनने के बाद तो और भी सुंदर लगता है. एंड इसको मैंने पेयर किया था पैंट के साथ. वैसे मुझे स्कर्ट पहनना था बट मुझे फर्स्ट दिन में ही बुखार आ गया था तो मैंने सोचा हाफ वगैरह नहीं पहनती हूँ, थोड़ा मतलब ठंडा ज़्यादा लगेगा बोल के. तो मैंने पैंट बोरो किया था वर्षा से. तो पैंट जो नीचे पैंट था वो वर्षा का था एंड दिस इज माई टॉप. तो गाइज मैंने ना छोटे मोटे सामान भी मंगाए थे अमेजोन से. तो सबसे पहले मैंने मंगाया था ये निपल टेप, सबसे बेकार. मतलब मैं पर्सनली बोल रही हूँ आपको, ये अगर आपको किसी ने बोला कि ये ले लो तो बिल्कुल मत लेना, पैसा वेस्ट है, बेकार 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 प्रोडक्ट है. मतलब जैसा उन्होंने बोला था कि अगर थोड़ा सा भी स्वेटिंग अगर आपके बॉडी में मॉइस्चर होगा तब भी ये मतलब निकलेगा नहीं, बट ये तो बिना मॉइस्चर के भी स्टे नहीं हो रहा था बिल्कुल भी. एंड कोई होल्ड नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही बेकार था ये. तो लेके मैंने बेकार ही कर दिया था, तो इसको बिल्कुल भी बाय मत करना गाइस. तो गाइस काफी लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपने इयररिंग्स क्लिप्स कहाँ से लिया है. घंटाघर से लिया था. सबसे पहले ये है, ये तो मैंने पहने भी नहीं है गाइस. मतलब ये इसका जो पूरा सेट था, अराउंड कितने होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीस मुझे 250 का मिला था. बहुत ही क्यूट क्यूट इयररिंग थे और सारे मैंने ना खुद ही छांट छांट के लिए थे. एक गाइस ये है सूरजमुखी वाला, ये मैंने पता नहीं पहना कि नहीं पहना, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा. एंड ये मैंने ड्रेस के साथ पहना था ग्रीन वाले लंच, जब मैं लंच के लिए गई थी टमाटोज तब मैंने ये पहना था. देख सकते हो कितना क्यूट है ये. एंड ये भी उसी का ही पार्ट है. तो ये सारे आधे निकल चुके थे, इधर उधर थे, तो मैं ढूंढ के निकाल के आपको दिखा रही हूँ. तो इतने क्यूट क्यूट इयररिंग्स थे मेरे पास. एंड गाइस दो और इयररिंग्स लिए थे मैंने, और ये लिया था मैंने 80 रुपीज का दो. देख सकते हो ये देखो कितना क्यूट है बटरफ्लाई. एंड दिस इज माई पर्सनल फेवरेट था ये. ये मैंने पिंक कलर की ड्रेस के साथ पहना था एंड बहुत ही क्यूट लग रहा था गाइज ये. एंड गाइज मेरे ना नाखून पे मत जाना, क्योंकि आजकल ना मेरे एक्सटेंशन चल रहे हैं, तो मैंने ये दो में खुद ही एक्सटेंशन किया है. नेल्स देख सकते हो, थोड़ा सा आर्ट भी किया है मैंने. बाकी ये मेरे ओरिजिनल नेल्स हैं एंड दिस इज माय एक्सटेंशन. जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा तो मैं सोच रही हूँ ये तीन को भी काट के एक्सटेंशन कर लूंगी. तो पूरा फाइनल लुक मैं बाद में आपको जब मैं कर लूंगी तब दिखा दूंगी. गाइज मैंने ये क्लिप का पेयर लिया था 70 रुपीज का लिया था. इसमें बहुत सारे थे, आधे तो गुम ही हो गए, बस ये कुछ बचा कुचा है. तो आप लोग पूछ रहे थे मैंने कहाँ से लिया था, ये भी मैंने घंटाघर से लिया था, 70 का पूरा पत्ता लिया था. एंड 30 रुपीज का ये लिया था कलरफुल.
काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आपने ये जो नेक में डाला है ये जो क्यूट सा दो लेयर के साथ है, मतलब एक ही में दो है, मैं दिखा देती हूँ उलझ रहे, तो ये अलग है एंड ये अलग है, मतलब ऐसे दो पेयर करके था। तो आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने कहाँ से लिया है, ये भी मैंने घंटाघर से लिया है। घंटाघर में ऐसे रास्ते में दिखते हैं ना जहाँ पे कान के झुमके ये सब मिलते हैं, तो मैंने वहीं से ही लिया है। ये मैंने लिया था 250 का, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था बट द क्वालिटी वॉज ग्रेट। एंड थोड़ा सा भी इसका कलर अभी कुछ भी नहीं हुआ है एंड ये बहुत ही मस्त है, मतलब मेरे ड्रेस के साथ आप देख सकते हो कितना ही सुंदर लग रहा है गाइज ये। अगर आपको लेना है तो आप जाके ले सकते हो, घंटाघर में बहुत ऑप्शन है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड ये जो इयररिंग्स था मैंने ये पहना भी नहीं, मतलब मुझे दिमाग में नहीं आया कि मुझे ये पहनना भी है। ये मैंने लिया था सरोजिनी से अराउंड 50 रुपीस का और देख सकते हो कितना ही अच्छा बीट वर्क है इसमें और बहुत ही मस्त है। इन फ्यूचर कभी एथनिक पहनूंगी तो मैं सोच रही हूँ कि इसको पहन ही लूंगी। गाइस एक और हील था, ये मैंने मंगवाया था मीशो से, मतलब इसका जो ट्रेंड आजकल चल रहा है इतना ट्रेंड में है ये गाइस ये हील। अगर आप अमेजोन और उसमें से ब्रांड के ऊपर जाओगे तो गाइज ये अराउंड 4-5 हज़ार से कम आपको मिलेगा नहीं, बट मैंने ये मीशो से लिया था सिर्फ और सिर्फ 780 रुपीस का और देख सकते हो कितना ही क्यूट है। मैं पहले ही ले लिया था, अभी हाल ही में नहीं लिया, ये मैंने अपने बर्थडे में भी पहना था। मुझे नहीं लग रहा था कि इसकी इतनी क्वालिटी अच्छी आएगी बट ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। एंड गाइज बाकी जो बैग्स वगैरह है वो तो आपने देख ही लिया है कि मेरे पुराने बैग्स ही थे। ये था मेरा पूरा हॉल वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड मैंने सही किया कि नहीं किया सरोजनी से शॉपिंग करके ये भी मुझे बताना, क्योंकि पहली बात तो पैसे भी थोड़े बच जाते हैं एंड कम पैसे में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सामान मिल जाते हैं। ऑल्सो सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ ये चीज मुझको अच्छी लग रही है और मेरे पे अच्छी लगेगी। मुझे बहुत मजा आया अपना जो भी हॉल करके, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड थैंक यू गाइस सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। एंड ऑल्सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं, बाय 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 बाय।